हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉग बूस्टर नॉलेज चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर लास्ट वीडियो। और आज हमारे साथ है डॉक्टर राजेंद्र कसाना। तो आज हम इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, कैसे इन्होंने अपनी सोशल लाइफ को और कैसे अपनी पढ़ाई को एक साथ मेंटेन किया। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कैसे ये अपनी पढ़ाई को मेंटेन करते थे और कैसे इन्होंने साथ साथ अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन करके रखा है, क्योंकि इनका एक यूट्यूब चैनल है मेडिकोप्स के नाम से, जिसके 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो आज हम ये जानेंगे पढ़ाई के साथ कैसे सोशल मीडिया को मेंटेन करना होता है और कैसे इन्होंने अपना FMG क्लियर किया। तो आज हम जानेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र कसाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो डॉग बूस्टर चैनल में इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कसाना है। मैंने अपनी MBBS बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उफा रशिया से कंप्लीट करी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने रसिया से MBBS किया है, तो वहाँ पे 6 साल की MBBS होती है। तो जैसे हम इंडिया से रसिया जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है। जैसे वहाँ पे हमें एक इंडिपेंडेंट सब कुछ खुद ही करना होता है। तो वहाँ पे आपने सब कुछ कैसे मैनेज किया, पढ़ाई को भी और जैसे बाकी जो आपकी वहाँ पे सारी चीज़ें होती थी, जैसे हॉस्पिटल ड्यूटी वगैरह, और आपका जैसे वहाँ पे हॉस्टल का और पढ़ाई वगैरह का आप कैसे मेंटेन करते थे? सबसे पहले मेरे को वहाँ पे डिफ़िकल्टी आई थी, वो थी मेरे सामने लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि हम लोग वहाँ जाते हैं तो लैंग्वेज, जैसे रसिया में सब लोग हैं लोकल रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम लोग उस टाइम रशियन लैंग्वेज तो आती नहीं थी। तो सबसे पहले जो डिफ़िकल्टी हुई थी वो बस लैंग्वेज बैरियर था। फिर धीरे धीरे लैंग्वेज सीखी, उसके बाद तो सारी चीज़ें और आसान होती गई। और दूसरा पॉइंट है कि वहाँ पे क्या है, जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, -30-35 तक टेम्परेचर रहता है, तो वो सारी चीज़ें हैं डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है, लेकिन धीरे धीरे हम अडेप्ट कर जाते हैं तो वो रूटीन में आ जाती हैं चीज़ें। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप वहाँ पे गए थे, जैसे आपने बताया लैंग्वेज में आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई, क्योंकि जब मैं भी रसिया में गया था, तो जब हम हमारा फर्स्ट डे था, तो हम मार्केट गए थे। तो मार्केट जाने के बाद हमें चीज़ें समझ नहीं आती क्या हमें बोलना है, क्योंकि हिंदी उन्हें समझ नहीं आती, ना ही कुछ लोगों को वहाँ पे इंग्लिश समझ आती। तो हम क्या करते थे, इशारे से, मतलब ऐसे जैसे हमें कुछ भी लेना जी होता था तो हम इशारे से बताते थे। तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होता था? बिल्कुल सर, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। या तो हम गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करते थे, और कई चीज़ें तो जैसे बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, जैसे कहीं कहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, तो तुदा ताम ये सब ऐसे करके चीज़ें हो जाती थी आसान। दो चार सब थे जो स्टार्टिंग में सीख पाए थे, तो उसके बाद तो फिर लैंग्वेज के बाद तो फिर सारी चीज़ें आसान होती गई। तो वहाँ पे जैसे आपका पढ़ाई का शेड्यूल होता था, जैसे वहाँ क्लास का शेड्यूल काफ़ी लंबा होता है, जैसे सुबह 8 से रात के 8 बजे तक वहाँ पे क्लास होती है, तो आप वहाँ पे कैसे मैनेज करते थे सब कुछ? स्टार्टिंग में जैसे फर्स्ट ईयर में काफ़ी डिफ़िकल्ट रही सिचुएशन, क्योंकि ऑल ओवर फर्स्ट ईयर से सिक्स्थ ईयर तक की क्लास में सबसे जो हेक्टिक शेड्यूल रहा वो फर्स्ट ईयर का रहा। उस टाइम क्या है कि एक तो रशियन लैंग्वेज चलती है, बाकी वहाँ पे लोकल हिस्ट्री वगैरह ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। कि हम लोग जैसे वहाँ पे 6 साल रहना है, सर्वाइव करना है, तो ज़्यादातर फर्स्ट ईयर में इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना होता है वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप वहाँ पे पढ़ाई करते थे, तो कौन से ईयर से आपने FMG के लिए प्रिपेयर स्टार्ट किया था? जैसे आपको कौन से ईयर में लगा मुझे FMG के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, तो कौन से ईयर से आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी? सर मैंने स्टार्ट करी थी लगभग फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग से, और बाकी जो सब्जेक्ट जैसे नॉर्मली ईयर वाइज चलते थे वो तो चलते ही थे। और उस टाइम मैंने ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म ले रखा था, उससे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, लेकिन उस टाइम मैं वहाँ पे रहते हुए अपनी पूरी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करके आए, जैसे आपको वहाँ से डिग्री मिली, उसके बाद आप इंडिया आए, तो यहाँ पे आने के बाद आपका जो स्टडी शेड्यूल था, आपने यहाँ पे कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी ली, या मतलब कैसे क्या किया आपने यहाँ पे, किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट की? वहाँ से जो भी मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा था उधर, वो सब मैंने छोड़ा। या गौतम नगर में आके मैंने फ्रेश स्टार्ट किया, और उसमें मैंने यहाँ पे आके ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी। बट उसमें भी फिर वही सेम शेड्यूल, क्योंकि जब कोचिंग चलती है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, और सारे दिन भर कोचिंग होती है, फिर उसको आके पूरा रिवाइज करना होता है। कोशिश रहती थी कि वो पूरा कंप्लीट किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी उसमें बहुत कमियाँ रही, तो वो लोग मतलब कि वो चीज़ें अच्छे से हो नहीं पाई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया था कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया और सेकंड अटेम्प्ट आपने क्लियर किया है,
तो आपकी जो ये जर्नी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम ना होना और सेकंड अटेम्प्ट में आपको एग्जाम का पास करना, तो ऐसी क्या क्या मतलब आपको बीच में दिक्कतें आई? जैसे हम एग्जाम फेल हो जाते हैं तो हमें बहुत डिप्रेशन वगैरह, या मतलब हम अपने एक मार्क्स से ना मतलब विचलित हो जाते हैं एक तरीके से। तो ऐसा आपने उस टाइम पे आपने क्या क्या चीजें फेस की और अपने आप में क्या क्या सुधार किए जो आपको लगता था कि मुझे वो करने चाहिए थे? क्या क्या आपने अपनी पढ़ाई में चेंजेस किए, तो किस तरीके से आपने चेंजेस वगैरह करके आपने सेकंड अटेम्प्ट पास किया, तो उसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहोगे? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी चीज़ें रही जो मैं अच्छे से नहीं कर पाया उनको मैंने फिर सुधारा। हाँ, बट रिजल्ट के टाइम पे मेरे को इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 109 स्कोर रहेगा, लेकिन उस टाइम सिचुएशन जो भी थी सब सामने थी, सारी चीज़ें अडेप्ट करी और फिर मैं दोबारा आया गौतम नगर में। फिर से वहाँ पास आने के बाद मैंने एकदम फ्रेश स्टार्ट किया। उस दिन तो एक दो हफ्ते तो बुरा लगा, लेकिन उसके बाद जब मैंने तैयारी करी सेकंड अटेम्प्ट में, तो ये सोच के नहीं करी कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, मतलब मैंने ये चीज़ें दिमाग से निकाल दी और एकदम फ्री होके मैंने वापस इस तरीके से स्टार्ट की कि ये जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। और फिर बर्डन मैंने रखा ही नहीं पिछला, और यहाँ पे जो जो मेरी कमियाँ रह गई थी वो सारी कमियाँ मैंने इम्प्रूव करी। जो सब्जेक्ट मेरे वीक थे उन पे फोकस किया, उनको कंप्लीट किया। उसके बाद मैं जीटी चालू करी और फिर जीटी में उसके बाद स्कोर मेरा ठीक ठीक आने लगा था। और जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, इस बार जो मैंने मेन फोकस किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस पे किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी काफ़ी अच्छी रही थी इस बार, जिसकी वजह से मैं मतलब पास हो पाया। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपकी जो सोशल लाइफ है, जैसे आपके यूट्यूब पे 2 लाख से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर है, तो जैसे सब बोलते हैं कि पढ़ाई के टाइम पे आपको सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे मैं रसिया मेहता जिस टाइम, तो वहाँ भी ऐसे ही बोलते थे कि पढ़ाई करो, ये यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह मत चलाओ, इनमें टाइम वेस्ट मत करो। और तुमने जैसे अपना मतलब चैनल भी ग्रो किया और पढ़ाई भी की और सेकंड अटेम्प्ट में आप पास भी हो गए, तो इसके रिगार्डिंग आप मतलब कैसे आप उस सब चीज़ों को मेंटेन करते थे, पढ़ाई भी करते थे, अपनी सोशल लाइफ भी आप मेंटेन करते थे, तो वो किस तरीके से आपने मैनेज की? वो सर देखो, जब कॉलेज लाइफ में था मैं, तो उस टाइम में 5th ईयर और 6th ईयर में, वहाँ से मैंने चैनल को रीस्टार्ट किया था। तो उस टाइम तो वीडियो आती रहती थी, ठीक चल रहा था सब कुछ। फिर जब मैं यहाँ पे आया था गौतम नगर में, तो जैसे जो लोग पास आउट हो जाते हैं वो ऐसे बोला करते थे कि सोशल मीडिया से एकदम हमें कट आउट होना चाहिए इन ये सब चीज़ें। तो उस टाइम तो ऐसा लगता था कि यार ये फालतू में बेवकूफ़ बना रहा है, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो मैंने मतलब इस तरीके से रहती है थिंकिंग। सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने आया सोशल मीडिया से, मैं एकदम कट ऑफ हो गया। एग्जाम से लगभग 3 महीने पहले मैंने इंस्टा फेसबुक सब कुछ बंद किया। यूट्यूब था उस पर भी सिर्फ जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर मैं पोस्ट डाला करता था, जो भी सिर्फ FMG से रिलेटेड जो मुझे लगता था अच्छे क्वेश्चन है सिर्फ वो अपलोड किया करता था मैं। तो डॉक्टर साहब मतलब आप क्या सजेशन देना चाहोगे अपनी तरफ से कि हमें सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या कम करना चाहिए? वो सर डिपेंड होता है वैसे तो हमारे ऊपर कि हम दोनों चीज़ें कैसे मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो कि स्टडी भी अच्छी हो रही है और उस पे से थोड़ा टाइम दे के आप सोशल मीडिया कर रहे हो, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारा पैशन है, तुम्हें उससे अच्छा लग रहा है तो कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसा लग रहा है कि हमें सोशल मीडिया पे ये जो सब चीज़ कर रहे हैं उनसे अगर बोरियत हो रही है, उसमें कुछ आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि फिर वो चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो FMG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या हमारे जूनियर जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? उन्हें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या चीज़ें उन्हें अपने आप में क्या चेंजेस करने चाहिए? उनके लिए मेरा सजेशन ये है सर, जो भी सोर्सेज पढ़ा हुआ है उसको कंटिन्यू रखो, बार बार उसी को पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करो, यही सबसे बेस्ट सजेशन है। जिस इस चीज़ में जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छे से हो गई ना, तो स्कोर ऑटोमेटिक ही काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे डॉक्टर साहब का चैनल है यूट्यूब पे मेडिकोप्स के नाम से, तो डॉक्टर साहब का भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।